DNB अवार्ड्स में यूपी तक की धूम। यूपी चुनाव में बेस्ट इलेक्शन कवरेज का अवार्ड, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तस्वीरों में आपको एक रॉकेट लॉन्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रक्रिया के तहत ही रॉकेट सैटेलाइट या किसी दूसरी चीज को स्पेस में भेजता है, उसके बाद वो पृथ्वी पर गिरता है और नष्ट हो जाता है। लेकिन इस बार की कहानी थोड़ी अलग है और काफी रोमांचकारी भी। इस तस्वीर को देखिए, दरअसल ये आसमान से धरती पर गिरते रॉकेट की तस्वीर है। लेकिन मजेदार बात यह है कि ये एक टेस्टिंग की तस्वीर है, जहां रॉकेट को कैच करने की कोशिश हो रही है ताकि करोड़ों के नुकसान से बचाया जा सके। इसके लिए हाल ही में एक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया, जिसकी मदद से हवा में ही गिरते रॉकेट को केबल की मदद से पकड़ा गया। हालांकि बाद में सुरक्षा कारणों से पायलट ने उसे छोड़ दिया, लेकिन ये टेस्ट स्पेस सेक्टर में मील का पत्थर साबित होगा। रॉकेट लैब ने अपने छोटे इलेक्ट्रॉन रॉकेटों का फिर इस्तेमाल योग्य बनाने की कोशिश को एक हद तक सफलतापूर्वक हासिल भी किया है। इस अभियान को सफल बताते हुए कंपनी ने कहा है कि अप्रत्याशित भार को एक छोटी समस्या माना है, जिसे जल्द ठीक कर लेने की बात कही गई है। रॉकेट लैब के सीईओ ने कहा है कि उपग्रहों को अंतरिक्ष में पहुंचाने के बाद पृथ्वी की ओर लौटते रॉकेट को हेलीकॉप्टर से पकड़ने का काम बेहद जटिल है। उन्होंने इस काम की तुलना सुपरसोनिक बैले से की है, लेकिन इसमें सुधार किया जाएगा, उन्होंने ये भी कहा है। दरअसल एक इलेक्ट्रॉन रॉकेट को प्रक्षेपित किया गया और मुख्य बूस्टर सेक्शन के पृथ्वी पर गिरने से पहले उसने 34 उपग्रहों को कक्षा में भेजा। एक पैराशूट द्वारा उसे नीचे आने की गति को धीमा कर दिया गया। इसके बाद हेलीकॉप्टर के चालक दल के सदस्यों ने रॉकेट को पैराशूट के जरिए पकड़ा, लेकिन हेलीकॉप्टर पर कुल भार परीक्षण और सिमुलेशन के मापदंडों से अधिक हो गया और इसलिए उन्होंने इसे गिराने का फैसला किया। लेकिन इस परीक्षण के बाद से ही स्पेस इंडस्ट्री इसे एक तरह से क्रांति मान रही है। इस तरह की सफलता से रिसर्च और विज्ञान के क्षेत्र को बड़ी राहत मिलेगी और उनके करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान भी नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।